जय हिंद दोस्तों। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ सीबीएसई रिक्रूटमेंट 2019 के बारे में, जो कि रिसेंटली जारी की गई है और ये भर्ती वेरियस 357 पदों के लिए निकाली गई है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में एक एक करके पूरी जानकारी देने वाला हूँ। पर दोस्तों उसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, ताकि ये जानकारी उन सभी लोगों तक पहुँच जाए जो लोग इसमें अप्लाई करना चाहते हैं या फिर जो लोग इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं पूरी जानकारी। नेम ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन, जैसा कि आप सब लोग जानते हो, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जिसको हिंदी में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और शॉर्ट फॉर्म के अंदर सीबीएसई बोलते हैं। मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स बता देता हूँ। एप्लीकेशन बिगिन यानी कि कब से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो, तो बीते 15 नवंबर से इसमें फॉर्म फिलअप होने स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म 16 दिसंबर 2019 है, और 16 दिसंबर 2019 तक आप अप्लाई ऑनलाइन कर पाओगे, और आपकी एप्लीकेशन फ़ीस जमा करने की अंतिम तिथि भी 16 दिसंबर 2019 रखी गई है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो के बाद मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर के आने वाला हूँ, जिसमें कि मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप स्टेप बाय स्टेप करना है। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिए बेल आइकन के साथ में, ताकि जैसे ही वो वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अब यहां पर दोस्तों आप इसकी एप्लीकेशन फी भी जान लीजिए। जो पोस्ट ग्रुप ए के अंदर आती है, उन पर आवेदन करने के लिए 1500 रुपये एप्लीकेशन फीस आपको देनी है, और जो पोस्ट ग्रुप बी एंड सी के अंदर आती है, उन पर आवेदन करने के लिए आपको 800 रुपये एप्लीकेशन फीस देनी है। एससी एसटी पीएच के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है, ये कैटेगरी कैंडिडेट्स फ्री में आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा ऑल कैटेगरी फीमेल, यानी कि चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आप फीमेल हो यानी कि गर्ल हो, तो आप इसमें बिना किसी फीस के आवेदन कर पाओगे। और यहाँ पर दोस्तों आप जो लोग इसको इस फीस को जमा करेंगे, वो फीस इस फीस को नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर और ऑफलाइन मोड से भी जमा कर सकते हैं, यानी कि जिस भी माध्यम से आप अपनी एप्लीकेशन फ़ीस जमा करना चाहते हो कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पर आप इसकी वैकेंसी डिटेल देख लीजिए कि किस पोस्ट के लिए कितने पद निकाले हैं, फिर मैं आपको एक बार से ऑफिशियल नोटिफिकेशन से भी ये जानकारी कंफर्म करा दूंगा। यहां पर आप एग्जैक्टली ये भी चेक कर सकते हो कि किस पोस्ट के लिए कितने पद है। इसके अलावा उस पर आवेदन करने के लिए मैक्सिमम एज लिमिट कितनी चाहिए और एग्जैक्टली क्वालिफिकेशन क्या चाहिए उस पोस्ट पर आवेदन करने के लिए। बेसिकली इन टोटल मिलाकर के जो वैकेंसी है, इन पोस्ट पर आपसे 12वीं ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की योग्यता मांगी है, यानी कि कुछ पोस्ट ऐसी भी है जिस पर आप 12वीं पास कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। तो यहां पर आपको सभी पोस्ट को एक एक करके चेक कर लेना है, और जिस पोस्ट पर भी आपकी क्वालिफिकेशन मैच होती है उस पोस्ट पर आप आवेदन कर लीजिए। बेसिकली जो आपकी जूनियर असिस्टेंट ग्रुप सी की पोस्ट है, इस पर आवेदन करने के लिए आपसे 12वीं पास की योग्यता मांगी है। साथ ही आपको कंप्यूटर टाइपिंग आनी चाहिए, जिसमें कि अगर आपको इंग्लिश टाइपिंग आती है तो आपकी स्पीड 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, या अगर आप हिंदी टाइपिंग करना चाहते हो तो आपकी स्पीड 30 वर्ड पर मिनट होने चाहिए, इंग्लिश में 35 और हिंदी में 30 वर्ड। और यहाँ पर जो आपकी अन्य पोस्ट है वो भी आप यहाँ पर अच्छे से चेक कर लीजिए। अब नीचे आप यहाँ पर देख लीजिए कि एग्जैक्टली किस पोस्ट के किस कैटेगरी में कितने पद है, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि हमारी कैटेगरी के लिए कितने पद निकाले गए हैं, ये भी आप यहाँ पर कन्फर्म कर सकते हो। अब मैं आपको इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर ले चलता हूँ और आपको ऑफिशियली ये सभी जानकारी कन्फर्म करा देता हूँ, ताकि आपके मन में कोई डाउट उत्पन्न ना हो। और यहाँ पर दोस्तों आप पोस्ट के साथ साथ ये भी चेक कर पा रहे हो कि किस पोस्ट पर आपको कितनी सैलरी दी जाएगी और वो पोस्ट कौन से ग्रुप के अंदर रखी गई है, ताकि जब आप फॉर्म फिलअप करो तो आपको वहाँ पर कन्फ्यूजन ना हो कि मेरी कौन सी पोस्ट है और मेरी ये पोस्ट कौन से ग्रुप के अंदर आती है। तो इसलिए पहले ही आप यहाँ पर डिसाइड कर लीजिएगा कि आपकी पोस्ट कौन सी है और कौन से ग्रुप के अंदर आती है। वैसे तो मैं आपको इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देने वाला हूँ, ताकि आप एक एक करके इन सभी जानकारी को चेक कर सकें, और कहीं पर अगर आपको लगे कि ये जानकारी कैसे है तो आप उसके बारे में डिटेल में कमेंट करके जान सकते हो। वैसे तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको बहुत ही अच्छे से बताया कि किस पोस्ट पर एग्जैक्टली क्या क्वालिफिकेशन, कितना एक्सपीरियंस, किस डिपार्टमेंट में क्या सैलरी, डिजायरेबल क्या है, मैक्सिमम एज लिमिट क्या है, ये सभी जानकारी आप यहाँ पर बहुत ही अच्छे से चेक कर पा रहे हो, ताकि आपके मन में कोई भी डाउट उत्पन्न ना हो जब आप फॉर्म फिलअप करें या फिर जब आप अपनी क्वालिफिकेशन मैच करें। इसलिए इन्होंने यहाँ पर आपको बहुत ही सावधानी से और बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। वैसे तो मैं आपको बता चुका हूँ कि एग्जैक्ट क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, वहाँ पर मैंने एक मेन क्वालिफिकेशन लिखी है जो कि आपके पास होनी चाहिए, पर यहाँ पर आप डिसिप्लिन वाइज चेक कर सकते हो। जैसे कि आपसे ग्रेजुएट की योग्यता मांगी है, अब कुछ लोगों के कमेंट आते हैं उस चीज़ को देख करके कि सर ग्रेजुएट किस डिसिप्लिन में होनी चाहिए, पर आप यहाँ पर वो भी चेक कर सकते हो कि किस डिसिप्लिन में होनी चाहिए।
और एज लिमिट भी आप देख चुके हो। इसके अलावा जो आपकी मिनिमम एज लिमिट है 18 है और मैक्सिमम एज लिमिट आप ऊपर देख चुके हो। और साथ ही एस सी एस टी को 5 साल की छूट और ओबीसी को 3 साल की छूट दी जाएगी। और यहाँ पर दोस्तों जो आपका एस सी एस टी और ओबीसी का सर्टिफिकेट होगा वो सेंटर का होना चाहिए। और जो लोग एस सी एस टी ओबीसी से फॉर्म फिलअप करेंगे उन्हीं को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कास्ट सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी, अन्य कैंडिडेट को कास्ट सर्टिफिकेट की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों बस यही थी आपकी सीबीएसई रिक्रूटमेंट 2019 की पूरी जानकारी। और इसके बाद में एक और वीडियो लेकर के आऊंगा, एक फॉर्म फिलअप की, दूसरी आपकी सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में, जिसमें कि मैं आपको सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में डिटेल्ड में जानकारी दूंगा। तो आप उस वीडियो का भी वेट जरूर कीजिएगा। और इस वीडियो के लास्ट में एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि प्लीज अब इस वीडियो को लाइक शेयर और साथ ही साथ ज्ञान दे होस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबा दे ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।